नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। आज़ादी के समय उस समय के अखबारों ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी, साहित्य, अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अखबारों को खबरों के माध्यम से आंदोलन का स्वरूप दिया। इससे आज़ादी की लड़ाई और देश को आज़ाद कराने जन जागरण के व्यापक स्वरूप से लोगों में एक सकारात्मक भाव जागा। इसी भाव से अंग्रेजों से भारत देश मुक्त हुआ। यह बात मीडिया महासम्मेलन के मुख्य वक्ता प्रोफेसर कमल दीक्षित ने कही। अपर संचालक जनसंपर्क G.S. मौर्य ने कहा कि पत्रकारिता की इस आपाधापी के दौर में हमें अखबारों ने नकारात्मक खबरें पढ़ने को मिल रही हैं। पत्रकारों को इससे बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार नकारात्मक खबरों के कारण सकारात्मक खबरें सबके सामने नहीं आ पाती हैं। ब्रह्मकुमारी आदर्श दीदी जी ने सभी मीडिया बंधुओं को राजयोग के जरिए आध्यात्मिक से जुड़ने की बात कही। मंच संचालक B.K. प्रहलाद ने किया। ग्वालियर से अनूप पांडे की रिपोर्ट। भाजपा मंडल की बैठक पूर्व विधायक जहूर खां की अध्यक्षता एवं पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका रामशरण के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई। बैठक में विचार परिवार के जनक, अग्रणी चिंतक, प्रखर राष्ट्रवादी शिक्षाविद एवं जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। वक्ताओं ने मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। गौवंश के अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दिया 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 12,050 रुपये अर्थदंड। अभियोजक अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा अभियोजक प्रकरण में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री अनिल चौहान द्वारा आरोपी मासूम पिता रशीद पठान आयु 46 वर्ष निवासी जावरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 12,050 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। सीजेएम न्यायालय ने मासूम पिता रशीद को गोवंश में सजा दी है। ये प्रकरण वर्ष 2011 का है। इसमें निम्बोला थाना को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि हरियाणा पासिंग ट्रक में गोवंश का परिवहन किया जा रहा है और वध हेतु महाराष्ट्र की ओर ले जा रहा है। तभी पुलिस ने सूचना पर विश्वास किया और उन्होंने खंडवा तरफ से आते हुए ट्रक को रोका और उसमें चेक किया तो उसमें गोवंश भरा हुआ था और फिर उसके बाद में पुलिस ने जब्ती की कार्रवाई की थी। इसमें मासूम को 2 वर्ष की सश्रम कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड दिया है। खरगोन जिले के भीकना गांव में शनिवार दोपहर तक तेज उमस के बाद बादलों ने रिमझिम और मूसलाधार बरसात का ऐसा तराना छेड़ा कि मानो वो संदेश लेकर आए, अब मानसून आ ही गया है। भीकन गांव क्षेत्र में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, किसानों के चेहरे भी दमक उठे। लोकेशन खरगोन से ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर महाजन की रिपोर्ट। और अब हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।